हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्लपूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर के E6 एरर कोड के बारे में। वर्लपूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में E6 एरर कोड क्यों आता है, किस वजह से आता है, क्या प्रॉब्लम होती है और हम इसे कैसे सॉल्व करें जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे वर्लपूल एयर कंडीशनर के E6 एरर कोड के बारे में। वर्लपूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में E6 एरर कोड क्यों आता है, किस वजह से आता है, क्या प्रॉब्लम होती है और हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो गाइस, जो वर्लपूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में हमें E6 एरर कोड देखने को मिलता है वो कम्युनिकेशन की वजह से देखने को मिलता है। अगर आप AC टेक्नीशियन हैं तो आप समझ गए होंगे जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, मतलब जो इनडोर से आउटडोर को जो हमारी वायर जाती है हम उसको कम्युनिकेशन वायर कहते हैं। अगर कम्युनिकेशन वायर में कहीं फॉल्ट होता है तो हमें E6 एरर कोड देखने को मिलता है वर्लपूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। तो गाइस, आपको सबसे पहले चेक ये भी करना होगा जो हमारी कम्युनिकेशन वायर होती है वो कहीं से लूज़ तो नहीं है। अगर हमारी वायर लूज़ होगी या लूज़ कनेक्शन, मतलब जहाँ पे इंडोर से आउटडोर को जो हमारी वायर जा रही है इंडोर कनेक्टर में और आउटडोर के कनेक्टर में, एक बार वायर को चेक करें कि लूज़ तो नहीं है। अगर वायर लूज़ होगी तो कनेक्शन मतलब ढीले हैं तो आपको उनको ठीक करना होगा, ठीक है। हो सकता है E6 एरर कोड हट जाए। और अगर मतलब हमारे कनेक्शन जो है कनेक्टर में दोनों साइड से ठीक है, उसके बाद भी अगर हमें E6 एरर कोड देखने को मिल रहा है तो हमें फिर एक बार ये भी चेक करना चाहिए जो हमारा इंडोर में जो PCB कार्ड होता है वो आउटडोर तक सप्लाई निकाल रहा है या नहीं। हमें कनेक्टर में वोल्टेज चेक करने हैं, आउटडोर के कनेक्टर में हमें वोल्टेज चेक करने होंगे कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। और जो हमारे 3 मिनट के बाद जो CP वायर होती है वो अगर हमारी इंडोर से सप्लाई निकाल रही है आउटडोर के लिए या नहीं, उसको भी हमें चेक करना होगा। हो सकता है CP वायर में, मतलब CP में सप्लाई ना निकालती हो, जो 3 मिनट के बाद सप्लाई निकालती है, तो आपको कार्ड को खोलने की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो हो सकता है कार्ड में भी इश्यू हो सकता है। बट जो E6 एरर कोड जो हमें देखने को मिलता है वर्लपूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में, तो वो कम्युनिकेशन की वजह से ही आता है हमारा। अगर कम्युनिकेशन जो हमारी वायर है वो ठीक है तो उसके बाद में PCB कार्ड को आप खोल सकते हैं। बट खोलने से पहले आप उसको भी चेक कर लें कि वो ख़राब है या नहीं। ख़राब मैंने आपको बता दिया, आपको CP चेक करनी होगी। अगर वो निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है PCB कार्ड, मतलब सप्लाई निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, आपको वो चेक करना होगा। तो गाइस, अगर आप चाहें तो हमसे भी PCB कार्ड रिपेयर करा सकते हैं। ऑल टाइप्स की सर्विस हम दिल्ली NCR में करते हैं और आप चाहें तो हमसे भी सर्विस करा सकते हैं। ओनली दिल्ली NCR में हम वर्क प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज़ की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।